उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बिना अनुमति के हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाई गई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों को पता ही नहीं चला। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी पेड़ काट कर ले जा चुके थे। जब अधिकारियों को खबर लगी तो वह मौके पर पहुंचे। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा के चकोरी मार्ग पर आम के हरे भरे 15 पेड़ काटे गए हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी पेड़ काटकर ले जा चुके थे। बाद में वन दरोगा पलट राम ने बाघ स्वामी सत्यपाल एवं हीरा और इरफान निवासी गांव मुबारकपुर कला के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। बता दें कि हसनपुर कस्बे में आम के हरे भरे आम के पेड़ काटने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अधिकारियों को पेड़ कटने के बाद ही पता चल पाता है। इस मामले में पुलिस जांच कर कार्यवाही करने में लगी हुई है। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सर बताइए, यहाँ जो आप आए हैं, आपने क्या देखा है, किस तरीके से मामला है यहाँ पे? यहाँ पे दरअसल जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली है कि यहाँ पे रात ही रात में जो है कुछ आम के पेड़ कटे हैं, तो हम लोग सूचना पाते तुरंत मौके पे आए हैं और इस टाइम मौके पे देखा तो वास्तव में पेड़ काट के ले गए हैं। इसकी पलौर वगैरह मौके पर पड़ी है, इसकी जाँच कर रहे हैं। तो सर क्या इस तरीके से, जिस तरीके से लोग जो है अपने मन मुठमर्दी से इस काम को करते हैं, तो विभागीय अधिकारी क्यों नहीं जाग पाते इस चीज इस तरीके नहीं, से? हमारे द्वारा प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कल भी ये घटना हुई थी, उसमें भी FIR वगैरह करवाई है। उसमें एक ट्रैक्टर भी सीज किया हमने, एक बाइक भी सीज की है। जैसे सूचना मिली जो कार्रवाई हम उसको कर रहे हैं। तो सर इस तरीके से बाघ जो कटान वाले हैं, इस तरीके से ये अपने जो है रात और रात को पेड़ काटते हैं, इसकी सूचना अधिकारियों को क्यों नहीं मिल पाती है? जैसे नहीं मिलती है, अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलती है और पब्लिक के माध्यम से मिलती है। जैसे मिलती है हम कार्रवाई कर लेते हैं उसको। ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।